Hello kids, welcome to my channel Moped Kids Zone. Today I will tell you how to improve your handwriting, how to do the handwriting in a cursive way. Most of the parents are having the problem that their child don't have a beautiful handwriting. So not to worry, now I'm here to tell you how to make a handwriting beautiful and to write in a cursive way. क्योंकि आप सभी लोग को ये चिंता रहती है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उनकी राइटिंग नहीं इम्प्रूव हो पा रही, तो इस वीडियो के माध्यम से, थ्रू दिस वीडियो, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे राइटिंग को इम्प्रूव करना है और कैसे हम कर्सिव राइटिंग को लिखते हैं. कि जैसे हमें पता है, एज वी नो दैट इन अ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स वी आर हैविंग अ 26 लेटर्स. अगर हम एक ही दिन में सारे लेटर्स की प्रैक्टिस करवाएंगे तो इट विल बी नॉट पॉसिबल फॉर अ चाइल्ड टू लर्न इट, हाउ टू डू द प्रैक्टिस इट. मैं हर वीडियो में 8 लेटर्स या 9 लेटर्स लिखना सिखाऊंगी कि कैसे उसे कर्सिव वे में लिखते हैं. आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें. टुडे वी विल राइट द कर्सिव हैंड राइटिंग फ्रॉम अल्फाबेट ए टू एच. सो लेट्स स्टार्ट. टू राइट ए, we will start from the third blue line. Third line से हम start करेंगे. हमने हल्का सा curve बनाया, फिर slant line हम ले गए first line पे, ठीक है. फिर हम first line से slant line लाएंगे downward position में to the third line. फिर वहाँ से हम slant line ले जाएंगे, third line से हम second line तक ऐसे slant line ले जाएंगे, फिर वहाँ से हल्का सा curve दे के फिर हम स्लैंट लाइन ले जाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में टू द सेकेंड लाइन. हमारा कर्सिव में ये ए बन गया. उसके बाद हम बी बनाने के लिए, टू राइट बी वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन. हम फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे. हम बनाएंगे एक स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर इसको हम कर्व देंगे लाइक दिस. इसको कर्व देने के बाद हम एक स्मॉल सेमी सर्कल बनाएंगे, स्मॉल सेमी सर्कल बनाएंगे. उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा हम एक सेमी सर्कल और बनाएंगे. दिस इज बी. फिर से मैं समझा रही हूं, फॉर राइटिंग ए हम थोड़ा सा कर्व बनाएंगे, थर्ड लाइन से शुरू करेंगे, फिर हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे स्लैंट लाइन लेके, फिर अपवर्ड से हम डाउनवर्ड पोजीशन में आएंगे, फिर यहाँ से हम स्लैंट लाइन ले जाएंगे, फिर थोड़ा सा कर्व देके फिर हम इसको ऊपर ले जाएंगे. फॉर राइटिंग बी हम फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे, हम एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर उसको कर्व देंगे, फिर हम एक छोटा सा सेमी सर्कल बनाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा उससे बड़ा सेमी सर्कल लेके यहाँ पे से कर देंगे. ये हमारा बन गया B. For writing C, हम थर्ड लाइन से स्टार्ट करेंगे, हम कर्व बनाएंगे और इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाके इसको ऐसे कर्व दे देंगे. ये हमारा बन गया C. फिर से मैं बता रही हूँ, यहाँ से कर्व देने के बाद सेकेंड लाइन या थर्ड लाइन पे कर्व देने के बाद हम ऊपर जाएंगे, फिर ऐसे कर देंगे. ये हमारा बन गया C. अब हम आते हैं डी पे. डी को बनाने के लिए हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है. अपवर्ड की फर्स्ट लाइन पे अपवर्ड से हम डाउनवर्ड में आएंगे, एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे. क्या बनाएंगे? एक स्टैंडिंग लाइन. फिर यहाँ से हम हल्का सा कर्व ले जाएंगे, इसको कर्व ले गए, फिर हमने इसको रोटेट किया. रोटेट करने के बाद हमने एक सेमी सर्कल बना दिया, सेमी सर्कल बना दिया. हम इस एंड को यहां तक लाके ऐसे कर देंगे, इसको थोड़ा सा कर्व दे देंगे. एक सेमी सर्कल बनाने के बाद इसको कर्व दे देंगे. फिर हम आते हैं अपने फिफ्थ लेटर पे, ई पे. फिफ्थ लेटर बनाने के लिए हम सेकेंड लाइन से फर्स्ट लाइन तक एक स्लैंट लाइन ले जाएंगे, उसके बाद हम एक छोटा सा सेमी सर्कल बनाएंगे, फिर हम इसको रोटेट करके एक बड़ा सा सेमी सर्कल उससे बनाएंगे और इसको ऐसे कर देंगे. फिर से मैं आपको डी समझा रही हूं. डी को लिखने के लिए आप फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे,
फिर उसको हल्का सा कर्व देके सेमी सर्कल करके ऐसे कर देंगे, फिर हल्का सा इसको आगे एंड, इस एंड को आगे लाएंगे, फिर कर्व देके इसको सेकेंड लाइन पे ऐसे कर देंगे। ई के लिए सेकेंड लाइन से स्टार्ट करेंगे, एक स्लैंट लाइन बनाएंगे, फिर इसको हल्का सा एक सेमी सर्कल छोटा सा बनाएंगे, फिर हम एक उससे थोड़ा सा बड़ा सेमी सर्कल बना देंगे। ये हमारा ई हो गया। फॉर राइटिंग एफ वी विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट लाइन, थोड़ा सा हम वेव दे के कर्व दे के ऐसे लाइन बनाएंगे, ठीक है। फिर इस लाइन से हम थर्ड लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और कर्व दे देंगे, फिर यहाँ पे हम एक लाइन वेव जैसी बनाएंगे ऐसे। मैं फिर से एफ समझा रहे हैं। फॉर राइटिंग एफ फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे, हल्का सा ये कर्व देके यहाँ डाउनवर्ड पोते, फिर अपवर्ड में जाएंगे, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर उसको कर्व दे देंगे, फिर सेकेंड लाइन से हल्का सा कर्व देके फिर डाउनवर्ड में जाके अपवर्ड चले जाएंगे। फॉर राइटिंग जी हम एक स्लैंट लाइन बनाएंगे थर्ड लाइन से, उसको फर्स्ट लाइन तक ले जाएंगे, फिर जैसे हमने सी बनाया था वैसे एक सी बनाएंगे यहाँ पे सेमी सर्कल देके। हम सिंपल सा सी बना देंगे कर्व देके या सेमी सर्कल, ये स्लैंट लाइन जाएगी और इसको ऐसे इसको ऊपर तक सेकेंड लाइन तक ले जाएंगे, फिर यहाँ से हमारा स्टैंडिंग लाइन आएगा डाउनवर्ड पोजीशन में फोर्थ लाइन तक, फिर यहाँ से कर्व देके ये ऊपर की साइड चला जाएगा। फिर से मैं जी समझा रही हूँ। फॉर राइटिंग जी मेक अ स्लैंट लाइन, देन अगेन कर्व्ड, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व देके ऊपर डायरेक्शन में लाइन चली जाएगी। फॉर राइटिंग एच वी मेक अ स्लैंट लाइन, देन अ स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व, फिर अगेन स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लैंट लाइन और इसको कर्व देके अपवर्ड डायरेक्शन में लिख देंगे। फिर से मैं एच बता रही हूँ आपको, स्लैंट लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व्ड, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंट लाइन, अगेन मेक अ स्मॉल कर्व एंड रोटेटेड, दिस इज एच। तो इस वीडियो में मैंने आपको कर्सिव राइटिंग के बारे में बताया, हाउ टू राइट द कर्सिव हैंड राइटिंग फ्रॉम ए टू एच। अगर आपको हमारा अगला वीडियो देखना है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।